जो बाकी के लोगों को नुकसान होता है वो यही होता है कि एक की गलती की सजा, वो तो भुगतते ही भुगतते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है यार। अब बस अगर हुआ भी है तो बस अपनी बचत करनी है दादा, ये देखना है कि कुछ यार क्या करें, मतलब दिन में हम पहुंचे नहीं है। पता क्या करते हैं, जब तक तो कोई मिलता नहीं है ना तब तक नहीं जाते, पहले बात कर लेते हैं किसी से, उससे पहले ही कामरान भाई उस जगह से पहले ही कोई मिल जाए ना उनसे बात करके फिर जाते हैं आगे। ये ना हो कि भाई वो नो गो एरिया हुआ हुआ है तो वो बात ही ना, आपको तो पता था आप क्यों गए। एक इंसान की वजह से तमाम इंसानों से दुश्मनी ना हो गई होगी, हम ना फंस जाएंगे। वही तो, और हुआ भी है हमारे साथ, हुआ भी है, बचत हुई है, बाल बाल बचे हैं, माफी तलाफी की है भाई। अर्ज ये है कि हम जैसे इंसानों ने ही ना उस एक पुरसकून माहौल को, एक पुरसकून जगह को ना बुरी नीयत से, अच्छी नीयत से नहीं, आप उनको कैद करने जा रहे हैं वहाँ पे अपने पता नहीं कौन से मकासद हासिल करने के लिए आप उनको। अफसोस यार, ये चीज़ें ना सब अल्लाह की मखलूक हैं, ये दी जाती हैं आपको, मिलती हैं, खुद पहुँचती हैं आप तक, मेहनत से आती हैं आपके पास, मेहनत से। ये नहीं होता कि जैसे आप शिकार कर रहे हो जानवरों का, इस तरह ये मैंने जी जमीना पंपिंग स्टेशन पे बड़े ऑथेंटिक सोर्स से देखा, स्टेटमेंट है चौकीदारों का वहाँ पर कि ऐसा होता है। ऐसी जगहों पर जाकर हमारे ये अमल करने वाले जो साहिबान है ना, ये बकायदा उनको कैद करने के लिए जाते हैं यार। भाई फिर इसका नुकसान जो है ना वो आस पड़ोस के लोग, इलाका मकीन, ठीक है। और जो ये अच्छा पागल खाने भी तो इन्हीं से भरे सर। कुमारी पे क्या था, यही था ना, यही उसका क्या हाल हुआ, उसके सामने उसके घर पे जाके बात की है, उसने क्या स्टेटमेंट दिया अपना कि भाई ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना है ऐसा। और होता क्या, सबसे ज्यादा तो वो भुगतते हैं, वो प्रोफेशनल आमिल साहब थे, वो उनके पास वैसे ही जिन्नात थे, लेकिन वो लालच में आके और काम कर भी रहे थे लेकिन वो लालच में आके ना कि नहीं इसको मैंने पकड़ना है, कैद करना। क्या हाल हुआ, बाल बाल बच गए वो तो, अल्लाह ने बचाया। और मैं कहता हूँ अक्सर कि यार अक्सर जगहों पर ना ये जो जगहें पुरसरार हो जाती हैं ना, जिन्नात खुद नहीं करते, ज्यादातर पीछे इंसान होता है, इंसान की ये अमल होते हैं, इंसान की ये कोशिशें होती हैं कि पढ़ते हैं बुलाने, कैद करने, हासिल करने के लिए, काबू कर नहीं पाते, कंट्रोल कर नहीं पाते, वो उल्टा उनके जो है ना वो समझ लें अंडर में चले जाते हैं, बजाय उनको अपने अंडर में करने के। मस्जिद जगह हॉन्टेड हो जाती है, वो तो खुद नुकसान उठाते ही उठाते हैं, वो जगह पुरसरार हो जाती है, बाकी लोग भी जो है ना फिर नुकसान उठाते हैं। पता है यार, 150-200-250-300 साल पुराना जगह, वो दरख्त, वो जगह जहाँ लोग आते जाते हैं, अब लोग मतलब इतने खौफजदा हो गए, कुछ तो हुआ होगा ना। अब बात यह, हम भी कहीं जाते हैं ना, यकीन करें आप, ये अपनी दिल में नियत होती है भाई, ना कुछ पकड़ना है, ना कुछ कैद करना है, ना कुछ नुकसान पहुंचाना है, ना कुछ लेना है उनसे। अब ये देख लें आप, ये आबादी है, ये इलाका है, ठीक है, बिल्कुल वीरान है। अब आपके सामने ये इलाका है और इसमें जंगल में ही होती हैं मखलूकात, बिल्कुल। अब वो हैं, ठीक है, अगर आपको शौक है आप मिलें जाएं, लेकिन कम से कम कुछ ऐसा तो ना करें जिससे उनको नुकसान पहुंचे, तकलीफ हो यार। कोई आपके साथ ऐसा करे तो क्या गुजरेगी आप पर। ये पगडंडी देख रहे हैं सामने जी, ये जी कभी तो गाड़ियां भी जाया करती थी यहाँ से, अब बीच में सिर्फ मोटरसाइकिल हो गई, छोटी साइकिलें हो गई, इसका इस्तेमाल किया जाता था। वो लाइटें देख रहे हैं आप बाईपास की, ये गोट है, ये गोट है, ये जरी जमीन आपको नजर आ रही है, यहाँ पर भी दूर से लाइटें नजर आ रही है, वो देखें उधर भी। तो ये अब जो रास्ते का हाल देख रहे हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है कि लोग यहाँ पर ना रुख नहीं कर रहे। बहुत हुआ दिन दिन में कोई गुजर गया सो गुजर गया, जैसे मुझे डर था ना कि यार कोई मिलेगा नहीं हमें, तो ये अभी इतना टाइम नहीं हुआ, 7 भी नहीं बजे अभी। अच्छा दादा, ये जब हम आ रहे थे ये रास्ते में शादी हो रही थी जहाँ से आवाजें आ रही थी जी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर रात बरात अल्लाह ना करे किसी किस्म की कोई जरूरत होती है तो रास्ता तो यही है सिर्फ। नहीं वो तो बाईपास पे भी हो रही है ना, आसपास फार्म हाउसेस भी हैं कहीं, वहां भी हो रहे होंगे,
और वो अब लॉन्ग रूट इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट सर्दी में, इस सर्दी में, इस सर्दी में भी सर माइनस चल रहा है जी जी, इस ठंड में भी सर, इस ठंड में भी देख लें आपके सामने है, मैं कह रहा हूँ 7 बजे अभी नहीं बजे, और ये हाल आपके सामने है कि जो चीज जहाँ पर है ना वहीं पर है। ये वो कमरे थे भाई जिनके बारे में कहते हैं कि जी लास्ट जो लोग रहे ना यहाँ पर रहते थे, अपनी जमीनों का ख्याल करते थे, ये खाली कर गए और कहते हैं इसके आसपास ही हैं वो दर वो जगह। और सजद भाई जब जब हम लोग लेट हुए हैं ना, ये कमरे दिखा दो, कुत्ते भौंक रहे, हाल देखो ना इसका, गाड़ी भाई उस तरफ लेके जा सकते हैं, इतनी जगह तो है शायद, यार पता नहीं मुझे लग नहीं रहा सही कि मैं जाऊं करीब। यहाँ से शुरू है दरख्त, एक सेकंड एक सेकंड, ये हमारी गाड़ी के बोनेट के पास से दरख्त शुरू है, सही। अब चले जरा आगे, ये रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ मेरे पास रिकॉर्ड पे है ये, जाने दे ये फैला हुआ दिखा रहा हूँ मैं, मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, ओए दादा ये देखो सुहेल भाई, एक दरख्त है, एक दरख्त नहीं, एक दरख्त नहीं है साहब, अलग अलग तीन है। सुहेल भाई ये एक दरख्त में से सब निकला हुआ है, ये एक इधर सीधे हाथ पे देखो भाईजान, ये दो तीन चार, ये एक दरख्त में से सब निकला हुआ है, ये चेक करें, अल्लाह अकबर मेरे खुदा, यार कहाँ ले आए मेरे खुदा, मैं खुद हैरान हूँ मैं कहाँ आ गया हूँ। ये देख लें आप, ये छालें देख लें, वो देख है एक नहीं है जी जी, एक ही है, एक ही यार। ये छाले हैं, ये दरख्त है, और सुहेल भाई ये बरगद का दरख्त है, अल्लाह पाक रहम, ये एक दरख्त है जी जो आपको चार नजर आ रहे हैं, चार से पांच, एक दरख्त है, इसकी शाखों में से नीचे शाखें निकल के वो भी दरख्त बन चुकी हैं। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इसका तो फैलाव देख के मैं परेशान हो गया, फैलाव देखें सर भाई नीचे, ये रात में हम देख रहे हैं, तो दिन में बुरा हाल कर देगा, रोजे रात में, ओहो